भागलपुर गोराडी पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना पर गोराडी पुलिस ने सादे लिवास में छापेमारी कर मामले का उद्भेदन किया है। पुलिस ने 3 अर्धनिर्मित पिस्टल, 3 बरेल, 4 मैगजीन, 1 ड्रिल मशीन, आरी समेत हथियार बनाने की कई उपकरण बरामद किया है। साथ ही मुंगेर के मुफलिस थाना क्षेत्र के मिर्जापुर वर्धे निवासी मोहम्मद फकरुद्दीन के बेटे मोहम्मद महफूज, मोहम्मद मुर्सी के बेटे मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद मुश्ताक के बेटे मोहम्मद खुशनयाज को गिरफ्तार किया है। ये सभी गोराहडी के डहरपुर के मोहम्मद मुन्ना के खेत पर हथियार बनाने का काम करता था। तीनों पूर्व में भी आर्म्स एक्ट मामले में जेल जा चुका है। एसपी बाबूराम ने मामले का उद्भेदन करते हुए बताया कि मिनी गन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ ही महीने पहले ये जेल से छूटकर आए हैं। होली वो सबे बारात है, अगर ये लोग हथियार बनाने में सफल हो जाते तो बड़ी घटना हो सकती थी। पुलिस ने समय रहते बड़ा काम किया है। भागलपुर संवाददाता श्याम नंदन सिंह की खास रिपोर्ट। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखते रहें कानूनी जंग न्यूज। धन्यवाद। मोहम्मद महफूज कहाँ के रहने वाले? मिर्जापुर वर्धा। मिर्जापुर वर्धा, वर्धा मुंगेर, जिला मुंगेर। कितने दिनों से इस कार्य में हो? कल तो इसके पहले? नहीं सर, पहले जेल गए हो कभी? हाँ, एक बार। किस मामले में? वो आर्म्स एक्ट में। ठीक, तो सरफराज कितनी बार जेल गए हो? जेल में एक बार। किस मामले में? आर्म्स एक्ट में ही। इसके पहले? अच्छा, ये कार्य कितने दिनों से कर रहे हो? पहली बार कल ले आए। मुन्ना कब बुलाया था इसके पहले? कल ले। इसके पहले? नहीं, इसके पहले नहीं। अब तुम्हारा? खुशनयाल। खुशनयाल, खुशनयाल, खुशनयाल। अच्छा, तुम जेल गए हो? है? जेल गए हो? हाँ, एक बार सस्पेंशन केस में गए, नाम दे दिया था, ये से आदमी भागा बस। किस मामले में? किस मामले? 2005 में। हथियार कब से? 2005 में। हथियार कब से बना रहे हो? है? हथियार का जो बनाने का काम करते हो कब से कर रहे हो? हथियार कहाँ बनाए? कहाँ बनाने के लिए भेजे थे। हाँ, कब से इस काम में हो? हम काम जरा सुनते हैं सर। अरे कब से? कितने सालों से हो इस काम में? हाँ? कितने साल से ही काम कर रहे हो? कितने दिन से? हाँ? 2013 से। ठीक। मामला यहाँ गोराडी थाना में डहरपुर गांव में 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से काफ़ी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। तो देखने से लगता है कि एक मिनी गन फैक्ट्री का संचालन यहाँ किया जा रहा था। जो संचालन करता है वो मुन्ना कुमार नाम है, कुछ ही महीने पहले जेल से छूट के आया है। 2020 में भी इसी काम में जेल में गया था। और जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं ये वर्धा के रहने वाले हैं, मुंगेर जिला के। ये तीनों भी पहले भी इस तरह के कांड में जेल जा चुके हैं। यहाँ पे गुप्त सूचना मिली थी SHO आशुतोष कुमार को, और इनके साथ नए बैच के सब इंस्पेक्टर हैं विनोद कुमार। इन दोनों ने और इनकी टीम ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए तीनों कारीगरों को भी गिरफ्तार किया है, और पूरे जो अर्धनिर्मित हथियार हैं, जो औजार हैं, इस पूरे सामान को भी बरामद किया है। इनका भी कोई आपराधिक इतिहास है जो गिरफ्तार किए गए हैं? जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं वर्धा मुंगेर के रहने वाले हैं, इन तीनों का क्रिमिनल हिस्ट्री है, पहले भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुके हैं। क्या क्या बरामद? इसमें 3 अर्धनिर्मित पिस्टल हैं, उसके बैरल हैं, इसके अलावा और पार्ट्स हैं, और काफ़ी सारा जो है पार्ट पुर्जा है। जो टीम में शामिल हैं क्या उनको जो है पुरस्कृत भी किया जाएगा? SHO नए बैच के जो सब इंस्पेक्टर हैं विनोद कुमार और इनकी पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा क्राइम मीटिंग के दिन। ये अंतर्राज्यीय गिरोह तो नहीं है सर? अभी तो पूछताछ की जानी बाकी है, जांच की जानी बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि बड़े पैमाने पर हथियार निर्माण करके यहाँ पर सप्लाई करते तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी, जिसको समय रहते पुलिस ने अच्छा काम करते हुए टाल दिया है। कितनी बड़ी सफलता है सर? काफ़ी बड़ी सफलता है, खासकर अभी जब होली और शबे बारात का त्यौहार सिर पर है एकदम, तो ऐसे टाइम पर जो असामाजिक तत्व हैं, अपराधी हैं, हथियारों की तलाश में रहते हैं, और इस तरह का खतरनाक हथियार, जो पिस्टल जैसा हथियार मिलने पर किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। इनको क्या फ़ायदा होता है सर, ये बनाते हैं, इससे क्या मिलता है? इन्होंने बताया है कि एक पिस्टल पे इनको 9000 रुपये की मजदूरी मिलती है, इसमें 3 लोग हैं तो तीनों को 3000 रुपये का ये लोग बंटवारा आपस में कर लेते हैं। कितना समय लगता है इसके निर्माण में? इनका बताना है कि इनको क्योंकि ऑर्डर बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं रहता है, और महीना में ये लोग 15-20 हज़ार रुपये एक आदमी कमा लेता है इस मजदूरी से,